सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम के सिस्टम स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर इंटेल पेंटियम 3, रैम रिक्वायरमेंट है 64 MB, हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट 40 GB, सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CDR, CD+RW, CDD। साथ ही साथ मॉनिटर 15-inch कलर मॉनिटर। इसको वैसे इस मॉनिटर को हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। इन दिस प्रोजेक्ट वी आर कंसिडरिंग फ्रंट एंड एज विबिनेट एंड कंसिडरिंग MS SQL एज सर्वर 2005 एज बैकेंड, विंडोज XP एज ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअल स्टूडियो 2010 एज IDE। एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम की जब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फ्रंट एंड के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर VB.NET, बैक एंड के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं MS SQL सर्वर 2005। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ XP और IDE के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो 2010। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इन डिटेल। अब हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क। अनलेस यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक फॉर द पास्ट ईयर, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ .NET बाई नाउ। वॉट इज .NET? इट इज अ न्यू ऑपरेटिंग एनवायरमेंट? इज इट अ न्यू लैंग्वेज? इज इट अ न्यू वे ऑफ डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? द आंसर इज यस, .NET इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर। भले ही आप पिछले एक साल तक चट्टानों के नीचे रहे हों, लेकिन आपने अभी तक .NET का नाम सुना होगा। .NET क्या है? क्या यह एक न्यू ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है? क्या यह एक न्यू लैंग्वेज है? क्या यह एक नया तरीका है जिससे आप डेवलप करते कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? इसका जवाब है हाँ, .NET में ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। द .NET वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाई माइक्रोसॉफ्ट टू अलाउ यूजर्स टू हैव एक्सेस टू देयर इंफॉर्मेशन, फाइल्स और प्रोग्राम्स एनी वेयर एनी टाइम एंड और ऑन एनी प्लेटफॉर्म और डिवाइस। व्हेन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट टूक एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिजाइन टू अ न्यू लेवल मल्टीटास्किंग। .NET वर्ल्ड क्रिएटेड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ताकि यूजर्स को अलाउ किया जा सके कि वह एक्सेस कर सकें उनकी इंफॉर्मेशन, फाइल्स या प्रोग्राम्स को एनीवेयर एनी टाइम और एनी प्लेटफॉर्म एनी डिवाइस। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सिस्टम डिज़ाइन एक न्यू लेवल मल्टीटास्किंग तक पहुँचा था विथ ईच न्यू वर्जन ऑफ विंडोज़। मल्टीटास्किंग हैज़ बीन ड्रिवन मोर टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एंड .NET इज़ द नेक्स्ट स्टेप। हर एक नए वर्जन के साथ विंडोज़ मल्टीटास्किंग की ओर ज़्यादा ड्रिवन हुआ और इससे ड्रिवन होते होते वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के तक पहुँचा और .NET उसका नेक्स्ट स्टेप था। विजुअल स्टूडियो .NET हैज़ एन एंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। विजुअल स्टूडियो में एंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क था। इन दिस पेपर इंट्रोड्यूस सम फीचर्स इन विजुअल स्टूडियो .NET फोकस मोस्टली ऑन विजुअल बेसिक .NET एंड ड्रॉ सम कंपैरिजन टू इट्स प्रेडेसर VB6। यहाँ पर हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं कुछ फीचर्स के बारे में विजुअल स्टूडियो .NET के, फिर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे विजुअल बेसिक .NET पे और ड्रॉ करेंगे कुछ कंपैरिजन इसके प्रेडेसर विजुअल बेसिक 6 से। द रीडर ऑफ दिस पेपर विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट डेवलपिंग कोड इन विजुअल बेसिक .NET आफ्टर रीडिंग, बट शुड हैव अ हाई लेवल व्यू ऑफ द चेंजेस इन विजुअल बेसिक .NET एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम प्रीवियस वर्जन।
यहाँ पर रीडर या लिसनर देखने के बाद स्टार्ट नहीं कर पाएंगे डेवलप करना कोड विजुअल बेसिक डॉट नेट में, लेकिन उन्हें एक हाई लेवल व्यू मिलेगा चेंजेस का विजुअल बेसिक डॉट नेट पे और कैसे वह डिफरेंट है प्रीवियस वर्जन से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में आते हैं फ्रेमवर्क लैंग्वेज और टूल्स, जहाँ पर आप लैंग्वेजेस में देख सकते हैं विजुअल बेसिक, C++, C#। साथ ही साथ यहाँ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, वेब सर्विसेज हैं, यूज़र इंटरफेस है, डेटा एंड XML, बेस क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इन सभी को मिलाकर बनता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। As shown in the figure, Visual Basic sites at the top of the framework along with the other languages in Visual Studio .NET. जैसा कि फिगर वन में बताया गया है, Visual Basic sits at the top of framework along with other languages in Visual Studio .NET. Below that is the common language specification. नीचे जो है वह है common language specification. This specification is a set of rules that govern the minimum language features that must be supported to ensure that a language will interoperate with other CLS compile and tools, compile and component and tools. Visual Basic top of the framework में है along with other languages in Visual Studio .NET. नीचे जो है वह है common language specification. यह specification एक set of rules है जो कि govern करता है minimum language features को जो कि supported होंगे, इस बात को ensure करने के लिए कि language interoperate करे with other CLS compilant component and tools के साथ। As long as a language conform to the CLS, it is guaranteed to work with the CLR. जब तक एक language conform करता है CLS के साथ, तब तक यह guarantee होती है कि यह work करे CLR के साथ। In this way, when third party compilers target the .NET framework, as long as they conform to the CLS, the code is guaranteed to work. इस तरीके से जब third party compilers target करते हैं .NET framework को, जब तक कि वह conform करते हैं CLS पे, तो code की guarantee होती है कि वह work करे। You might also notice that VB is now an equal or peer of C++. C# and any other language that is .NET compilant. आप इस बात को नोटिस करेंगे कि VB विजुअल बेसिक अब इक्वल है और पीयर ऑफ C++, C# या फिर किसी अदर लैंग्वेज के साथ जो कि .NET compilant है। विजुअल बेसिक .NET shares द सेम वेरिएबल टाइप्स, एरेज, यूजर डिफाइंड टाइप्स, क्लासेस, ग्राफिकल फॉर्म्स, विजुअल कंट्रोल्स एंड इंटरफेसेस एज दिस अदर लैंग्वेजेस। विजुअल बेसिक .NET शेयर करता है सेम वेरिएबल टाइप्स, एरेज, यूजर डिफाइंड टाइप्स, क्लासेस, ग्राफिकल फॉर्म्स, विजुअल कंट्रोल्स और इंटरफेसेस एज दीज अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज प्रोवाइड ए वेब इनेबल्ड यूजर इंटरफेस विद टूल्स दैट इंक्लूड वेरियस HTML कंट्रोल्स एंड वेब कंट्रोल्स। फॉर्म्स क्रिएटिंग यूजिंग वेब सर्विसेज आर द सेम एज फॉर्म्स created for a Windows application. Web services provide करते हैं एक web enabled user interface tools के साथ, जिसमें include होता है बहुत सारे HTML controls और web controls. Forms जो कि created होते हैं using web services, वह same होते हैं form के तौर पर जो कि created होते हैं किसी भी Windows application के लिए. The code behind a web form is the same as the code behind a Windows form. किसी भी वेब फॉर्म के पीछे का कोड सेम होता है विंडोज़ फॉर्म के कोड की तरह। द मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय वेब फॉर्म इज स्टिल ही देयर बट द वेब फॉर्म एप्लीकेशन जनरेट इट फॉर यू। मार्कअप लैंग्वेज जो कि यूज होता है वेब फॉर्म के द्वारा, वह अभी भी यहाँ पर है, लेकिन वेब फॉर्म एप्लीकेशन जनरेट करती है इसे आपके लिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज़र इंटरफेस। At the same level as web services is the user interface. The user interface is where Windows forms live. It also provides code for drawing to the screen, printing, rendering text and displaying images. User interface same level पे web services जो हैं user interface के लिए भी होती हैं। User interface वहाँ पे होता है जहाँ पे Windows form live होता है।
यह प्रोवाइड करता है कोड ताकि आप ड्रॉ कर सकें स्क्रीन पे, प्रिंटिंग कर सकें, रेंडरिंग कर सकें टेक्स्ट और डिस्प्लेइंग कर सकें इमेजेस को। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड XML। बोथ वेब सर्विसेज एंड द यूज़र इंटरफेस सिट ऑन टॉप ऑफ द डेटा एंड XML ब्लॉक। एज यू विल लर्न लेटर इन द वीडियो, XML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज प्लेज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एज ए डेटा। दोनों वेब सर्विसेज और यूज़र इंटरफेस सिट होते हैं ऑन टॉप ऑफ डेटा एंड XML ब्लॉक। XML या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा की तरह। XML इज यूज टू प्रोवाइड ए टेक्स्ट व्यू ऑफ डेटा दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन सर्विसेज ऑन द सेम PC और पास्ड थ्रू ए फायरवॉल टू ए वेब सर्वर अक्रॉस द कंट्री यूजिंग SOAP। मोर ऑन SOAP अ लिटिल लेटर। XML यूज़ करता है प्रोवाइड करने के टेक्स्ट व्यू ऑफ डेटा जो कि शेयर्ड हो सकता है बिटवीन सर्विसेज ऑन द सेम PC या फिर पास हो सकता है थ्रू ए फायरवॉल टू ए वेब सर्वर अक्रॉस द कंट्री यूजिंग SOAP। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस क्लास लाइब्रेरी। द बेस क्लास लाइब्रेरी BCL इज अंडरनीथ द डेटा एंड XML ब्लॉक। दिस एरिया इज द ओरिजिन फॉर द बेस क्लास ऑफ ऑल .NET प्रोग्राम्स। Everything in Visual Basic .NET is an object and all objects originate from a class named system. The BCL also provides collections, localization, text objects, interoperability with non-.NET code and ActiveX controls and a variety of other services. Base class library जो होती है underneath the data and XML block. यह area क्या होता है origin for the base classes of all .NET programs. हर कुछ होता है विजुअल बेसिक .NET में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे और सारे ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं एक क्लास से जिसका नाम होता है सिस्टम। बेस क्लास लाइब्रेरी आल्सो प्रोवाइड कराती है कलेक्शन, लोकलाइजेशन, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, इंटरऑपरेबिलिटी नॉन .NET कोड के साथ और एक्टिव एक्स कंट्रोल और वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। एट द बेस ऑफ द .NET फ्रेमवर्क इज द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। Much like the Java virtual machine, the CLR is needed to make .NET code run on any machine. .NET framework के base पे होता है common language runtime CLR। Java virtual machine की तरह CLR की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप .NET code को run कर सकें किसी भी machine पे। Next we are talking about the common language runtime services, CLR services. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट, थ्रेड सपोर्ट, कॉम मास्टर, टाइप चेकर, एक्सेप्शन मैनेजर, सिक्योरिटी इंजन, डीबग इंजन, IL टू नेटिव कंपोनेंट्स, कोड मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर, क्लास लोडर, ये सारे क्या हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के सर्विसेस हैं। द CLR इज़ ए सेट ऑफ रिसोर्सेज दैट एनी .NET प्रोग्राम कैन टेक एडवांटेज ऑफ फ्रॉम एनी .NET सपोर्टेड लैंग्वेज। All languages will be more equal in capability than they ever have before. CLR क्या होता है सेट ऑफ रिसोर्सेस होता है जो कि जिसमें कि कोई भी .NET प्रोग्राम इस बात का एडवांटेज ले सकता है ताकि फॉर्म कर सके कोई भी .NET सपोर्टेड लैंग्वेज। सारे लैंग्वेजेस इक्वल होते हैं कैपेबिलिटी में देन दे हैव एवर बिफोर। द CLR includes support for the BCL where the architecture for controls and forms actually live. CLR include common language runtime include करता है support base class library के लिए जहाँ पर architecture controls के लिए और forms actually live होते हैं। It is also responsible for managing threads and exception replacing the error object in VB6. जो CLR also responsible होता है ताकि manage कर सके threads और exception, यहाँ पर replace किया गया है error object को VB6 से। गार्बेज कलेक्शन इज ऑल्सो हैंडल्ड बाई द CLR। गार्बेज कलेक्शन को भी हैंडल किया जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के द्वारा। द CLR टेक्स कोड जनरेटेड बाई विजुअल बेसिक एंड कन्वर्ट्स इट टू द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द करेंट प्लेटफॉर्म। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम्स उस कोड को लेता है जो कि जनरेटेड किया जाता है विजुअल बेसिक के द्वारा और इसे कन्वर्ट करता है नेटिव लैंग्वेज ऑफ द करेंट प्लेटफॉर्म में। Through this conversion, the magic of multi-platform execution is achieved. इस कन्वर्जन के द्वारा मैजिक ऑफ मल्टी प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन अचीव्ड होता है।
Now VB programmers can write code in VB syntax, and the CLR is responsible for converting it to any platform that can run the CLR. अब विजुअल बेसिक के प्रोग्रामर्स राइट कर सकते हैं कोड को VB सिंटेक्स में, और CLR इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वह कन्वर्ट कर सके इस कोड को एक किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जो कि रन कर सकता है CLR को. द प्रोग्रामर इज रिमूव सेवरल लेयर्स फ्रॉम द हार्डवेयर एंड डज नॉट रियली नीड टू नो व्हाट प्लेटफॉर्म हिज हर कोड इज रनिंग. प्रोग्रामर रिमूव कर सकता है सेवरल लेयर्स को हार्डवेयर से, और उसे इस बात की बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन से प्लेटफॉर्म पर उसका कोड रन हो रहा है. CLR लेता है कोड को जो कि जनरेटेड होता है विजुअल बेसिक के द्वारा, और इसे कन्वर्ट करता है नेटिव लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट प्लेटफॉर्म में. इस कन्वर्जन के द्वारा मैजिक ऑफ मल्टी प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन अचीव्ड होता है. अब VB विजुअल बेसिक के प्रोग्रामर्स राइट कर सकते हैं कोड को विजुअल बेसिक के सिंटेक्स में, और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसे कन्वर्ट करने के लिए किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो कि रन कर सकता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को. प्रोग्रामर रिमूव कर सकता है बहुत सारे लेयर्स को हार्डवेयर से, और उसे इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती जानने की कि कौन से प्लेटफॉर्म पर उसका कोड रन हो रहा है. One additional services of the CLR is handling bad code. You have probably heard stories of rock code that overran buffers and trashed a machine, killing all other programs along with it. By design, this cannot happen with code written in Visual Basic .NET. एक additional services होता है common language runtime का, वह होता है bad code को handle करना. आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहाँ पे रॉक कोड होता है जो कि ओवररन कर देता है बफर को और ट्रैश कर देता है एक मशीन को, वह किल कर देता है ऑल अदर प्रोग्राम्स को जो कि इसके साथ जुड़े हुए होते हैं. डिज़ाइन के द्वारा यह नहीं हो सकता है विजुअल बेसिक .NET में लिखे हुए कोड के साथ. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम नेम स्पेस. The system namespace includes all classes that represent the base data types used by all Visual Basic .NET applications. System namespace include करता है उन सारे classes को जो कि represent कर सकते हैं base data types को जिसका इस्तेमाल होता है by Visual Basic .NET applications. In .NET, all of base data types are object, byte, char, array and so on. Many of these correspond to the data types in classic Visual Basic. .NET में सारे base types होते हैं, वो होते हैं object, byte, character, array and so on. इनमें बहुत सारे data types correspond करते हैं data types को classic Visual Basic की तरह. In addition to the base data types, the system namespace contains nearly 100 classes that provide functionality ranging from handling exception and forming delegates to dealing with the core runtime concepts such as application domains and the automatic memory manager. In data types के अलावा system namespace में होते हैं कम से कम 100 classes जो कि provide कराते हैं functionality exception को handle करने से लेके form करना delegates ताकि deal किया जा सके core runtime concept जैसे कि application domain या फिर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजर. द सिस्टम नेम स्पेस ऑल्सो कंटेन्स 25 सेकेंड लेवल नेम स्पेस लिस्टेड इन टेबल 1. लुकिंग एट दिस यू कैन सी हाउ द नेम स्पेस कन्वेंशन लॉजिकली सेपरेट्स फंक्शनैलिटी. सिस्टम नेम स्पेस ऑल्सो कंटेन करते हैं 25 सेकेंड लेवल नेम स्पेस जो कि लिस्टेड होता है टेबल 1 में. इसे देखकर आप यह जान सकते हैं कि कैसे नेम स्पेस कन्वेंशन लॉजिकली सेपरेट करते हैं फंक्शनैलिटी को. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी नेम स्पेस इन द सिस्टम नेम स्पेस. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी नेम स्पेस की सिस्टम नेम स्पेस में. फर्स्ट नेम स्पेस एंड देयर डिस्क्रिप्शन. सिस्टम डॉट कोड डॉम कंटेन्स क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सोर्स कोड डॉक्यूमेंट. सिस्टम डॉट कोड डॉम नाम का नेम स्पेस कंटेन करता है ऐसे क्लासेस को जो कि इस्तेमाल हो सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स कोड डॉक्यूमेंट. सिस्टम डॉट कलेक्शन
is a namespace which contains interfaces and classes that define various collection of objects such as lists, views, arrays, hash tables and dictionaries. System.collections नाम का namespace contain करता है interfaces और classes को जो कि define करता है बहुत सारा collections of objects जैसे कि list, queues, arrays, hash tables and dictionaries. Next is system.component model in namespace which provide classes that are used to implement and license components. System.component model नाम का namespace provide कराता है classes जो कि used to जिसका कि इस्तेमाल होता है ताकि implement किया जा सके और license किया जा सके components को. System.configuration this namespace provides classes that give system runtimes, administrative tools, applications and other consumers of configuration information access to configuration information. System.configuration नाम का namespace provide कराता है classes जो कि देते हैं system को runtimes, administrative tools, applications और other consumers of configuration information ताकि access किया जा सके configuration information को. System.data is a namespace which consists mostly of classes that constitute the Microsoft ADO.NET architecture. System.data नाम का namespace consists करता है mostly classes को जो कि constitute करता है Microsoft ADO.NET architecture को. System.diagnostics is a namespace which provides classes to debug applications and trace the execution of code. System.diagnostics नाम का namespace provide कराता है classes ताकि debug किया जा सके applications को और trace किया जा सके execution of code को. System.directory services it provides access to active directory from managed code. System.directory services नाम का namespace provide कराता है access active directory तक from managed code. Next is system.drawing namespace which provides access to the GDI plus basic graphics functionality. System.drawing नाम का namespace provide कराता है access to the GDI plus basic graphics functionality. System.enterprise services it provides transaction processing functionality. System.enterprise services नाम का namespace provide कराता है transaction processing functionality. Next is system.globalization. It provides localization information on elements such as the current culture, formatting, data and time for specific locales. System.globalization नाम का namespace provide कराता है localization information उन एलिमेंट्स के बारे में जैसे कि करेंट कल्चर, फॉर्मेटिंग डेटा एंड टाइप फॉर स्पेसिफिक लोकल्स. System.io namespace इट प्रोवाइड्स टाइप्स दैट अलाउ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू डेटा स्ट्रीम्स एंड फाइल्स. System.io नाम का namespace प्रोवाइड कराता है टाइप्स जो कि अलाउ करता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू डेटा स्ट्रीम्स एंड फाइल्स. Next is system.management namespace. It provides classes for manager of system object and events. System.management naam ka namespace provide karata hai classes for manager of system objects and events. System.messaging provides classes to connect to message queues on the network, send messages to queues and receive or peek messages from queues. System.messaging नाम का namespace provide कराता है classes ताकि connect किया जा सके एक message queues को network पे, send किया जा सके message to queues और receive और pick किया जा सके messages को queues से. System.net namespace it provides a simple programming interface to many of the protocols found on the network today. System.net नाम का namespace provide कराता है एक simple programming interface बहुत सारे protocols को जो कि found किया जाते हैं network पे today. System.reflection contains classes and interfaces that provide a managed view of types, methods and fields with the ability to dynamically create and invoke types.
सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन नाम का नेम स्पेस कंटेन्स करता है क्लासेस को, इंटरफेसेस को, जो कि प्रोवाइड कराता है एक मैनेज व्यू ऑफ टाइप्स, मेथड्स और फील्ड्स, जिसमें एक एबिलिटी होती है ताकि डायनेमिकली क्रिएट किया जा सके और इन्वोक किया जा सके टाइप्स को। सिस्टम डॉट रिसोर्सेस, इट दिस नेम स्पेस प्रोवाइड्स नेम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज अ रिसोर्स दैट कंटेन्स कल्चर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। सिस्टम डॉट रिसोर्सेज नाम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि एक रिसोर्स जो कि कंटेन करता है कल्चर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट रन टाइम, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। सिस्टम डॉट रन टाइम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को। सिस्टम डॉट सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरफेसेस, एट्रीब्यूट्स, एक्सेप्शंस एंड बेस क्लासेस फॉर परमिशंस। सिस्टम डॉट सिक्योरिटी नाम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होता है इंटरफेस, एट्रीब्यूट, एक्सेप्शन और बेस क्लासेस परमिशंस के लिए। सिस्टम डॉट सर्विस प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स क्लासेस टू इंस्टॉल एंड रन सर्विसेज विच इज नोन एज नॉन इंटरफेस एग्जीक्यूटेबल्स। सिस्टम डॉट सर्विस प्रोसेस नाम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है क्लासेस ताकि इंस्टॉल किया जा सके और रन किया जा सके सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं नॉन इंटरफेस एग्जीक्यूटेबल्स। सिस्टम डॉट टेक्स्ट, दिस नेम स्पेस कंटेन्स क्लासेस रिप्रेजेंटिंग ASCII, यूनिकोड, UTF-7 एंड UTF-8 कैरेक्टर कोडिंग एंड कोडिंग, abstract based classes for converting blocks of characters to and from blocks of bytes, a helper class that manipulates and formats string objects without creating intermediate instance of a string। system.txt नाम का नेम स्पेस कंटेन करता है क्लासेस जिसको की रिप्रेजेंट करते हैं ASCII, यूनिकोड, UTF-7 और UTF-8 कैरेक्टर एनकोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस ताकि कन्वर्ट किया जा सके ब्लॉक्स ऑफ कैरेक्टर्स को ब्लॉक ऑफ बाइट से, साथ ही साथ एक हेल्पर क्लास जो कि मैनिपुलेट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को बिना क्रिएट किए इंटरमीडिएट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, इट प्रोवाइड्स क्लासेस इंटरफेसेस दैट इनेबल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नाम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है क्लासेस और इंटरफेसेस जो कि इनेबल करते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को। सिस्टम डॉट टाइमर्स, इट प्रोवाइड्स टू कंपोनेंट्स दैट रेज एन इवेंट ऑन एन इंटरवल और मोर कॉम्प्लेक्स शेड्यूल। सिस्टम डॉट टाइमर्स नाम का नेम स्पेस प्रोवाइड कराता है दो कंपोनेंट्स को जो कि रेज करते हैं एक इवेंट को एक इंटरवल पे या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेड्यूल पे। सिस्टम डॉट वेब, इट सप्लाइज क्लासेस एंड इंटरफेसेस दैट इनेबल ब्राउजर सर्वर कम्युनिकेशन। सिस्टम डॉट वेब नाम का नेम स्पेस सप्लाई करता है क्लासेस को इंटरफेसेस को जो कि इनेबल करते हैं ब्राउजर सर्वर कम्युनिकेशन को। सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, इट कंटेन्स क्लासेस फॉर क्रिएटिंग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन एंड क्लासेस फॉर मैनी कंट्रोल्स दैट कैन बी एडेड टू फॉर्म्स। सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स नाम का नेम स्पेस कंटेन करता है ऐसे क्लासेस को जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और क्लासेस बहुत सारे कंट्रोल्स के लिए जो कि एडिड हो सकते हैं फॉर्म्स पे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम डॉट XML, इट कंटेन्स XML क्लासेस दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड बेस्ड सपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग XML। सिस्टम डॉट XML नाम का नेम स्पेस कंटेन करता है XML क्लासेस जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड सपोर्ट ताकि प्रोसेस किया जा सके XML को। This is the .NET IDE in which you can see that various menus like file, edit, view, project, build, debug, data, format, tools, windows and help. And there are various windows forms options like pointer, label, link label, button, text box, main menu, checkbox, radio button, ग्रुप बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, पैनल, डेटा ग्रिड, लिस्ट बॉक्स, चेक लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट व्यू, ट्री व्यू, टेप कंट्रोल एंड देर आर वेरियस फॉर्म्स कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल्स फ्रॉम प्रॉपर्टीज लाइक इनेबल्ड, फॉन्ट, फॉर कलर, फॉर्म, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ग्रिड साइज, हेल्प बटन, आइकन, आईमी मोड, इस IMD कंटेनर, की प्रीव्यू, लैंग्वेज, लोकलाइजेबल, लोकेशन,
locked, maximize box, maximum size, menu, minimize box, minimum size, opacity, etc. These are known as the text control. One of the biggest improvement with .NET in my opinion is the new common ID. सबसे ज़्यादा जो बड़ा इम्प्रूवमेंट था .NET के साथ वह था न्यू कॉमन आई डी. जैसा कि आप एज यू सी इन फिगर 3, द आई डी कंटेंस ए लिटिल ऑफ ऑल द डिफरेंट क्लासिक विजुअल स्टूडियो लैंग्वेजेस. देयर इज एन आउटपुट विंडो सिमिलर टू द वन इन C++, द प्रॉपर्टीज विंडो सिमिलर टू द वन इन विजुअल बेसिक, बट बेस्ट ऑफ ऑल आर द स्लाइड इन कैपेबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट एक्सप्लोरर विंडोज. जैसा कि आप डायग्राम 3 में देख सकते हैं, आई डी कंटेन करता है एक लिटिल या फिर डिफरेंट क्लासिक विजुअल स्टूडियो लैंग्वेजेस को. यहाँ पर एक आउटपुट विंडो सिमिलर होता है C++ की तरह, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी विंडो सिमिलर होता है जो कि विजुअल बेसिक में भी था. लेकिन सबसे बेस्ट फीचर है वो है स्लाइडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट एक्सप्लोरर विंडोज. देयर इज नाउ ए सर्वर एक्सप्लोरर दैट स्लाइड्स इन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द आई डी. यहाँ पर एक सर्वर एक्सप्लोरर भी है जो कि स्लाइड्स इन होता है लेफ्ट साइड ऑफ आई डी से. दिस एक्सप्लोरर अलाउज द डेवलपर टू हैव एक्सेस टू ऑपरेटिंग सर्विसेज, डेटा कनेक्शन एंड बेस्ट ऑफ ऑल SQL सर्वर. यह एक्सप्लोरर अलाउ करता है डेवलपर को ताकि वह एक्सेस कर सके ऑपरेटिंग सर्विसेज को, डेटा कनेक्शन को और बेस्ट ऑफ ऑल SQL सर्वर पे. आई कैन नॉट टेल यू हाउ मैनी टाइम्स आई हैव विश्ड दैट आई कुड चेंज अ स्टोर प्रोसीजर और टेबल डिजाइन विदाउट हैविंग टू लोड SQL इंटरप्राइज मैनेजर टू डू सो. हम नहीं बता सकते कि कितने बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप चेंज कर सकें स्टोर प्रोसीजर या टेबल डिज़ाइन को बिना लोड किए SQL एंटरप्राइज मैनेजर को इस काम को करने के लिए. विद द .NET IDE ऑल ऑफ द टूल्स आर फाउंड राइट इन द सेम एप्लीकेशन. .NET IDE के साथ यहाँ पर सारे टूल्स फाउंड हो गए हैं सेम एप्लीकेशन में. विद द यूज़ ऑफ द थंब टैग यू कैन मिनिमाइज एक्सप्लोरर टू गेन मोर स्पेस फॉर योर कोड विंडो इफ़ नीडेड. थंब टैग के यूज़ के द्वारा आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक्सप्लोरर को ताकि आपको ज़्यादा स्पेस मिल सके आपके कोड विंडो के लिए यदि आपको ज़रूरत है. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टॉपिक विजुअल बेसिक .NET. टिल देन थैंक यू, गुड बाय. मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.